गाइस तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। और यहाँ हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम गाइस क्या करेंगे, पहले हम इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है। तो हमें क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखी है कॉनकेव मिरर की जो कि है -15 सेंटीमीटर। आपको पता है हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम फोकल लेंथ को मेज़र करेंगे वो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेज़र करेंगे, इसलिए इसको हम -15 सेंटीमीटर ले रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम और इमेज जो हम फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं -40 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, अपना मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे हम क्या करेंगे हम अपनी इमेज का डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारा इमेज का डिस्टेंस आया है वो आ रहा है -24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारी इमेज बन रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इमेज का डिस्टेंस जब हमारा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है। तो वापस हम अपना मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोकल लेंथ को -15 सेंटीमीटर ले लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे -20 सेंटीमीटर। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा इमेज का डिस्टेंस आ रहा है वो -60 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारी इमेज कितना डिस्प्लेस हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 60 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज आएगा वो 36 सेंटीमीटर आ रहा है, और अवे फ्रॉम द मिरर, ये ध्यान रखना गाइस अवे फ्रॉम द मिरर हो रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।